उत्तर प्रदेश के हमारे समस्त सम्मानित शिक्षा मित्र गुरुजन, मैं सत्यम दुबे आज सुप्रीम कोर्ट से, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं आज आपके केस में जो ऑर्डर आना था वो आ चुका है और उसमें अभी ऑर्डर जो है लिखा जा रहा है, शाम तक जो है वो ऑर्डर आपके सामने होगा। जैसा कि अभी तक हम तो अंदर थे, हमारे सामने जो सुनवाई हुई है वकील के द्वारा, हम लोगों को जो बातें मतलब वहाँ पे कंफर्म की गई है, इसमें यह है कि बहुत कुछ आपके पक्ष में आया है और आधी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के हाथ में दे रखी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको पैरा टीचर माना, सुप्रीम कोर्ट ने आपको अप्रूव कर दिया कि आप अपग्रेड शिक्षक की श्रेणी में आते हैं, ये चीज़ कन्फर्म हो गया। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ कि शिक्षा मित्र जो है 16 साल से 20 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। और इनको जो है ये 38,878 रुपए के योग्य हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना, लेकिन इसको जो है ये राज्य सरकार के हाथ में कर दिए, क्योंकि यह जो है पैसा राज्य सरकार के बजट और राजस्व से संबंधित मामला है, इसने सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को राज्य सरकार के हाथ में दे दिया। दूसरी चीज, एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है कि शिक्षा मित्र जो है ये आने वाले वैकेंसियों में जितनी वैकेंसी आएंगी उसमें इनको जो है फुल्ली वेटेज दिया जाएगा, जो 4 साल पढ़ा चुके हैं उनको 4 साल के हिसाब से वेटेज मिलेगा, बाकी जो 4 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है उनको उसी हिसाब से वेटेज दिया जाएगा, और जो टेट पास है उनकी तुरंत सिलेक्शन की कर ली जाएगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। कुछ लोग हैं अफवाह उड़ा रहे हैं कि केस खारिज, रिट खारिज हो गई भोला शुक्ला की, तो वो जो है उनकी रिट खारिज हो गई, उनकी याची या ब्याची फाची वाला जो मैटर था वो खारिज हो गया। जैसे अभी अभी आप लोगों ने मैसेज सुना होगा कि उन्होंने कुछ लोग कह रहे थे कि जो है हमारा केस खारिज हो गया, केस बिल्कुल नहीं खारिज हुआ, बहुत कुछ जो आपके पक्ष में पहले नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्रूफ कर दिया। जो लोग कह रहे थे कि शिक्षा मित्र हटा दिए जाएंगे, ये चीज़ें आज खारिज हो गई कि शिक्षा मित्र जो है जैसे हैं रहेंगे, इनको कोई हटा नहीं सकता, आने वाले वैकेंसियों में इनको फुल्ली सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज, ये 38,878 रुपए के लायक हैं, अगर सरकार चाहे तो इनको जो है 38,878 रुपए दे सकती है। जो अफवाह उड़ा रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है, कभी ऑर्डर आ जाने दीजिए शाम तक, बहुत सी चीज़ें और हैं जो शिक्षा मित्रों के पक्ष में हैं, वो चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग अपना वीडियो शेयर कर देंगे आप सभी के सामने। इस तब तक के लिए आप सभी लोग धैर्य रखें, भगवान की कृपा है, आप सभी का भविष्य जल्द सुरक्षित होगा। और जो लोग कह रहे थे कि याची बनो, आज उनके मुंह पे तमाचा लगा है, आप तो आप जान गए आधी चीज़ें, जो आज ही फैसला आपके पक्ष में 38,878 रुपए का भी आता, लेकिन याची बनाने के नाम पे जिन्होंने आपसे पैसा लूटा, उन्होंने आपके ही खिलाफ में आधे से ज़्यादा वकील खड़ा करके वहाँ पे आज बातों को गुमराह कर किया, जिससे जज भी इरिटेट हुआ जो हम आपसे पहले बोले थे। तो फिलहाल बहुत कुछ गवर्नमेंट के हाथों में है, अब सरकार से सामंजस्य बनाने का समय है। हमने जो पहले बोला था कि सरकार से सामंजस्य बनाना पड़ेगा, तो वही साबित हुआ, बाकी लोग मुंह देखते रहेंगे। आप लोग चिंता न करें, आपका भविष्य अभी सुरक्षित है। धन्यवाद।